السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله على الشيء. كلاسز سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی الحمد للہ سر. कल जो पढ़े थे कुछ बता सकते हैं? तैमूम के बारे में बताया था सर आपने. जी तैमूम किस तरह करते हैं? जी की किल्लत होती है जब ऐसे मौके पर तैमूम किया जाता है. जी साफ मिट्टी पर या संगमरमर के पत्थर पर अपने हाथों को मार कर फिर उसके बाद चेहरे पर सारे पेशानी की रोज थुड़ी के नीचे तक एक कान की रोज से दूसरे कान की ओर जैसा वो वजू करते हैं उसी तरह किया जाता है. फिर अपने हाथों पर ठीक. तो हम कल जो है बचा हुआ पानी जो झोटा पानी जिसे कहा जाता है उसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था. जी सर. और बताया गया था कि जो जानवर का गोश्त जो हुक्म है उसके झूठे का भी वही हुक्म है. अगर गोश्त हलाल है तो उसका बचा हुआ पानी भी हलाल होगा. अगर गोश्त जो है खाना यूज करना हराम है तो उसका बचा हुआ पानी भी जो है दुरुस्त नहीं होगा. ज़्यादा गाय भैंस बकरी मुर्गी इन तमाम के गोश्त इस्तेमाल करना दुरुस्त है तो बचा हुआ पानी भी जो है दुरुस्त होगा. और जो घर में जानवर आते जाते रहते हैं जैसे बिल्ली बकरी मुर्गी तो अगर इनके मुंह पे गंदगी वगैरह ना हो तो इन तवाफीन जो जानवर है उनका भी झूठा बाकी रहता है. और अलबत्ता जो जानवर हराम है उनका झूठा हराम रहता है. और कल आपको तयमम के बारे में बताया गया था. तयमम के बारे में पहली चीज़ तो उसकी तारीफ बयान की गई और उसके बाद उसका तरीक़ा बयान किया गया. तारीफ ये बयान की गई कि जिस तरह हम पानी से वजू तहारत हासिल करते हैं तो ये तयमम में मिट्टी से तहारत हासिल करते हैं. पानी के बजाय मिट्टी आ जा रही है. वजू में पानी था गुस्ल में पानी था तयमम में मिट्टी रहती है तो तहारत दोनों से भी होता हासिल करते हैं. वजू में भी गुसल में भी तयमम में भी. तो वजू गुसल में पानी से हासिल करते हैं और तयमम में मिट्टी से पाकी हासिल करते हैं. और तयमम में जो है तीन फ़र्ज है. फर्स्ट तो जो है नियत करना है. फिर उसके बाद दूसरा फ़र्ज ये है कि पाक मिट्टी पर हाथ मार कर मुँह पर मल लेना है. और तीसरा फ़र्ज ये है कि सेकंड टाइम हाथ मारकर जो है कहनियों समेत यानी कहनियों तक पूरा हाथ पर मल लेना है. तो इस तरह करने से जो है तयमम हो जाता है. उसके बाद आपको बतलाया गया था कि तयमम कब कर सकते हैं यानी तयमम कौन सा आदमी कौन सी खातून तयमम कर सकती है. तो उसके बारे में आपको बताया गया था कि दो तीन चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये है कि पानी पर कादिर ना हो यानी पानी पर कुदरत नहीं है. मिसाल के तौर पर पानी आपसे बहुत दूर है. जी वालेकुम सलाम. मतलब तयमम को तीन दफा मारना मिट्टी पे जरूरी है जैसा वजू के टाइम पे तीन दफा मुंह धोते हैं? तीन दफा मारना जरूरी नहीं, एक ही दफा काफी है. एक ही मतलब मारकर थोड़ा हाथ को ऊपर नीचे कर दे मिट्टी पर रख कर ताकि पूरे हाथ पर एक मिट्टी जरा लग जाए. उसके बाद उठाकर हाथ को थोड़ा झिड़क लेना चाहिए ताकि जो मिट्टी हाथ को लगी वो नीचे गिर जाए. उसके बाद मल लेना चाहिए. मतलब अगर दीवार है ना मिट्टी की रहे तो भी कर सकते वो दीवार पे?
बिल्कुल सीमेंट के रहे बिल्कुल तो सीमेंट बिल्कुल की बेस पे कर सकते। जी हाँ बिल्कुल। आपको एक एक फायदा बताया था कि जो भी मिट्टी और मिट्टी के जिन्स से है उससे जो है तयमुम कर सकते हैं। अब कैसा मालूम करना कि मिट्टी के जिन्स से है, तो उसमें बताया गया था कि जो चीज जलाने तब कल जलती थोड़ा नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम आया था तो डिस्कनेक्ट हुआ था, अच्छा ठीक है पूरा नेटवर्क। ठीक है ठीक है। मिट्टी के बारे में बताया गया था कि मिट्टी के जिन्स से है का मतलब यह है कि वो चीज जलाने से जलती नहीं और गलती नहीं। तो वो चीज समझें कि मिट्टी या मिट्टी के जिन्स में से है, मिट्टी ही है। तो एक जो जो दफा चीज दोहराइए मतलब, और एक मतलब बोलिए। जी तो अभी बोल रहा हूँ मैं तफसील से पूरा कि तयमम के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि कौन सा आदमी तयमम कर सकता है। उसके बारे में आपको बताया गया था कि जो आदमी के पास पानी नहीं है, पानी नहीं के मतलब ये कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर या उससे दूर तक वो तलाश कर लिया, मालूम कर लिया, पानी कहीं भी नहीं है, जंगल में है समझिए। या फिर जो पानी है, या फिर जो है दूसरी चीज ये है कि पानी तो है लेकिन इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। जैसे हवाई जहाज में है या फिर जो ट्रेन में है, नीचे ट्रेन के अंदर पानी नहीं है लेकिन ट्रेन के नीचे जो करीब में गंगा बह रही है, नदी बह रही है, करीब में पानी है लेकिन ट्रेन को रुकाना फिर नीचे उतरना पानी लेना उसके लिए मुश्किल है। और जो है बहरहाल पानी है लेकिन इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है। फिर तीसरी चीज ये थी कि बीमारी है, कि बीमारी के जो मुत्तकी था अच्छे ईमानदार डॉक्टर मशवरा दिए हैं कि अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो बीमार हो जाएंगे या आपका मर्ज बढ़ जाएगा या जो भी परेशानी है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। ये अच्छे ईमानदार डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है या फिर जो है आपका तजुर्बा है, यानी इससे पहले बहुत मरतबा तजुर्बा हो चुका है कि जब भी हम पानी इस्तेमाल किए हैं तो तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो ऐसी सूरतों में इन सूरतों में जो है तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि अच्छा, एक बात भी जरूरी है कि अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए तो तयम्मुम नहीं कर सकते हैं। बीमारी के बारे में बताया गया है कि अगर बीमारी ऐसी होना चाहिए कि अगर हम पानी इस्तेमाल करें तो पानी जहां पर लग डर रहा का है हो। वहां पर जो है वो जगह जो है पूरी जाया हो जाने या शल हो जाने या कोई और चीज बहुत ही मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा हो, ऐसी सूरत हाल है, ऐसी सिचुएशन है, तब जो है पानी के बजाय तयम्मुम कर सकते मतलब हैं। साहब, आजकल डॉक्टर्स तो हर चीज कर सकते बोल रहे, तब भी अपन यूज करने पर कुछ भी प्रॉब्लम बढ़ने पे रहता, अपने दिमाग में सोच जाती कि ये बढ़ जाता पानी यूज करने से, तब वैसी सूरत में क्या करना। डॉक्टर्स तो बोल रहे इस्तेमाल कर सकते, खा सकते, पी सकते बोल रहे हैं, अब तो वो देखिए खाने से तबीयत खराब हो रही, पीने से मतलब पानी का इस्तेमाल करने से खराब होने वाला है कुछ भी, तो नहीं करना फिर। तयम्मुम कर ले सकते वैसे टाइम पे। देखिए, एक है शक और एक है यकीन। जी अगर यकीन है कि आप इससे बीमार हो जाते हैं, यकीन है ना, शक नहीं, जी अगर यकीन है तो तब कर सकते हैं, अगर शक है तो शक की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी तो शक यकीन का आप समझ रहे होंगे 100% होना, पक्का कंफर्म। हाँ, मतलब पानी अगर उस पे बह गया तो मर्ज और बढ़ जाता, यकीन इसको बोल रहे हैं। हाँ तो वो जो यकीन कंफर्मेशन की सूरत हाल है, 100% रहना उसके नंबर, 100% रहना उसको, जी यानी थोड़ा सा शक है होता कि नहीं होता कि ऐसा वैसा नहीं होना, कंफर्म पक्की बात है कि पानी इस्तेमाल करते ही बीमार हो जाते, ऐसा है तो मतलब करना है। मैं कल आपसे पूछी थी, आपका नंबर बोल तो गूगल पे मैं सर्च करने नहीं आया, नहीं मेरा आपका नंबर गूगल नंबर पे नहीं नहीं है, मिला। नहीं, मेरा मेरे को नंबर क्वेश्चन गूगल पे करना नहीं है। था, बोली मैं वो दारुल आपसे बात इजामिया करना। जी जामिया निजामिया जो है हैदराबाद का मशहूर मदरसा हाँ है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दारुल इफ्ता है, उसमें जो है मुफ्ती साहब हमेशा उसके जो अजीमुद्दीन नूर। हाँ मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब को मिला, उनको फोन कर लिए तो आप किसी भी टाइम पे कुछ भी मसला पूछ ले सकते हैं। तो दारुल इफ्ता का नंबर सर्च करो वाला था। मौल साहब मतलब मसला उतने बड़े मौल साहब से उतना बड़ा नहीं अच्छा है। आप जो कॉलेज का नंबर है ना उस पर एक मरतबा कर लीजिए, नहीं तो आज मगरिब के बाद कॉल करे थे, मौल साहब बाइक पे थे तो नहीं हुई बात। अच्छा अच्छा ठीक है। तो शुक्रिया सर, मौल साहब मैं सुनी थी, मैं कर ये पूछ। ठीक है। तो बहरहाल तयमुम के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। उसके बाद तो ये बताया गया था कि
जिन चीज़ों से वजू टूटता है और जिन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है, उन चीज़ों गुसल टूटता है तो उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। तहारत को जाने से वजू टूटता है तो तयम्मुम भी टूट जाएगा, तो ऐसा। उसके बाद ये बताया गया था कि ईद की नमाज या जनाजे की नमाज इस टाइम पे हम पहुँचे हैं कि हो सकता है कि अगर वजू पानी के ज़रिए से कर कर आए तब जो है नमाज ईद की नमाज या जनाजे की नमाज मुकम्मल हो जाती, बल्कि अंदेशा है तब ऐसी सूरत में जो है तयम्मुम कर ले सकते हैं। ये तमाम बातें हम कल गुफ्तगू कर चुके हैं। आज जो है नजासत के बारे में हमको पढ़ना है और हो सके तो इंशाल्लाह जनाजे के मसाइल के बारे में मुख्तसरन गुफ्तगू होगी। अब यहाँ पर जो आपको मसाइल बयान किए जा रहे हैं कि कपड़ों पर अगर गंदगी लग जाए तो कब नमाज पढ़ सकते हैं, कब नमाज नहीं पढ़ सकते, जानवरों की गंदगी लग जाए तो क्या हुक्म है, और इंसानों की और थोड़ी या ज़्यादा, इसमें तमाम तफसीलात क्या है ये बताए जाएंगे। और उसके बाद जो है ये बताया जाएगा कि गंदगी लग जाए तो किस तरह पाक करना चाहिए, कब पाक होता है कपड़ा, ये आपको बताया जाएगा। तो पहली चीज़ ये बता रहे हैं कि दो यहाँ पर टर्म है, इस्लामिक टर्म है, नजासत गलीजा और नजासत खफीफा। खफीफा कहते हैं लाइट, हल्की नजासत। नजासत गलीजा का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पूरी नजासत हो, तो नजासत गलीजा कहा जाता है। और नजासत खफीफा मतलब ये कि जिसमें गंदापन ज़्यादा नहीं है, खफीफ है, हल्का है, उसको जो है नजासत खफीफा कहा जाता है। तो नजासत गलीजा का हुक्म अलग रहेगा और नजासत खफीफा का हुक्म अलग रहेगा। तो अगर कपड़ों पर नजासत गलीजा लग जाएंगी तो हुक्म अलग है, नजासत खफीफा लग जाएगी तो हुक्म अलग है। तो अब आपको समझना ये है कि नजासत गलीजा में कौन कौन सी चीज़ें आती है और नजासत खफीफा में कौन सी चीज़ें आती है, ये समझना है। तो बहुत आसान है, पहले ये समझते हैं कि नजासत खफीफा किसे कहते हैं। तो नजासत खफीफा में जो है जो भी हलाल जानवर है उनका पेशाब, और जो है जो हराम परिंदे हैं, हराम परिंदों में कौन आता है, कौवा, चील, जो हराम परिंदे हैं उनकी जो बीट है, ये नजासत खफीफा में आती है। दो चीज़ें हो गई, घोड़ा हलाल जानवर, हलाल जानवर में गाय, बैल, भैंस, ये जो भी चार पाँव वाले हैं इनका जो पेशाब है ये, और जो है परिंदे हराम परिंदों का बीट जो गंदगी है, ये दो चीज़ें जो है नजासत खफीफा में आती हैं। लिहाजा हम चल रहे थे, ऊपर से कौवा जो है कोई गंदगी कर दिया तो अब उसका हुक्म क्या होगा, तो बोलेंगे कि वो नजासत खफीफा है। अब नजासत खफीफा का हुक्म क्या है आपको आगे बताया जाएगा। अब है कि नजासत गलीजा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंसान की तहारत यानी गंदगी, और गोबर, जानवरों का गोबर, मेंगनिया, मुर्गी की गंदगी, बहता हुआ खून, पीप, कै, मुंह भर कै, थोड़ी कहने मुंह भर कै, जब मुंह भर कै हो तो नजासत गलीजा होती है, अगर थोड़ी हो तो नहीं होती, शराब, सेंधी, इसी तरह मुर्दार जानवर की चर्बी, ये तमाम चीज़ें जो है नजासत गलीजा में आती है। तो नजासत गलीजा में इंसान की गंदगी, मुर्गी और जानवर जो हलाल हो कि हराम जानवर का जो गोबर है, मेंगनियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो है नजासत गलीजा में आती है। तो अब आपको दो चीज़ें मालूम हो गई है, एक है नजासत खफीफा, दूसरी है नजासत गलीजा। तो नजासत खफीफा आसान है, हलाल जानवरों का पेशाब और जो है हराम परिंदों की बीट, ये जो है नजासत खफीफा में है, बाकी तमाम चीज़ें जो है नजासत गलीजा में आती है। बीट मतलब बीट बोलते जो हराम परिंदे, जो कौवा जो गंदगी करता है उसको बीट बोला जाता है, परिंदों की गंदगी को बीट कहा जाता है। जी सब अक्सर मस्जिदों में कबूतर रहते हैं। हाँ जी, नहीं अब उसका तरीका बयान किया जा रहा है कि अब क्या हुक्म होगा। अब ये तो एक डिफिनेशन बता दिए कि नजासत दो कैटेगरी कर दिए, नजासत गलीजा का हुक्म अलग रहेगा, खफीफा का हुक्म अलग रहेगा। तो अब ये समझना है कि नजासत गलीजा में कौन सी चीज़ें आती है, खफीफा में कौन सी चीज़ें आती है, ये समझना है। तो
नजास पे गलीजा में समझ गए कि आप कौन सी चीज़ें आ रही है, और खफीफा पे में समझ गए कौन सी चीज़ें आती है। अब ये समझना है कि इनका हुक्म क्या है, ये अगर गंदगी नजास्त गलीजा लगे तो हुक्म क्या है, खफीफा लगे तो हुक्म क्या है, ये समझना है। तो नजास्त गलीजा, आप समझ गए कि नजास्त गलीजा में कौन सी आती है, इंसान की गंदगी है और गोबर है, मेंगनियाँ हैं, बहता हुआ खून है, पीप है, मुँह भरका है, शराब, ये पूरी चीज़ें नजास्त गलीजा में आती हैं। अगर किसी कपड़े पर या जिस्म पर, बॉडी पर लग जाए तो हथेली का जो गड़ा है, आप हथेली में जो दरमियान में छोटा सा गड़ा नजर आ रहा है अपने हर एक की हथेली में, उतना सा उस उतना है या उससे कम है तो माफ है। यानी मिसाल के तौर पर हथेली है, हथेली बहुत छोटी है, फिर हथेली में दरमियान में छोटा सा गड़ा नजर आ रहा, उतना अगर नजास्त गलीजा लग जाए तब जो है वो माफ है। या फिर जो है गोबर वगैरह है, इनको जो है वो ये गाड़ी होते हैं तो इनके बारे में बता रहे हैं कि चार माशे तक इनका वजन माफ है, यानी चार माशा, एक माशा जो है तकरीबन 972 मिलीग्राम होता है, तो बहरहाल चार माशे वजन तकरीबन एक तकरीबन समझिए 5 ग्राम, 5 ग्राम गंदगी अगर लग जाए तो उस वक्त तक माफ है, उससे बढ़कर हो तो आप उसका हुक्म अलग रहेगा। तो बहरहाल आप नजास्त गलीजा के बारे में कि नजास्त गलीजा लग जाए तो क्या हुक्म है आप समझ रहे हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर नजास्त गलीजा पतली हो तो हथेली का जो गढ़ा है उसके बराबर माफ है, और अगर गाड़ी हो तो चार माशे तक माफ है। अगर गाड़ी है तो हुक्म अलग है, गाड़ी है तो अलग है, और पतली है तो अलग है, पतली हो तो हथेली के गड़े तक, और अगर गाड़ी हो तो चार माशे तक, इतना माफ है। अब इससे ज़्यादा है तब दूर करना फ़र्ज होगा। अगर हथेली से बढ़कर जो है किसी मकाम पे नजासत लगी हुई है, बच्चे का पेशाब है, हथेली का जो गढ़ा है उससे बढ़कर कपड़ों पर लगा हुआ है, तब दूर करना फ़र्ज होगा। छोटे मोटे छींटे हैं तो दूर करना फ़र्ज नहीं है, यहाँ पर फ़र्ज की बात हो रही है, मुस्तहब की नहीं। मुस्तहब का मतलब ये कि जो भी गंदगी पूरा दूर कर देना चाहिए, लेकिन फ़र्ज का मतलब ये कि कंपलसरी दूर करना ज़रूरी ही है, उसके बगैर नमाज ही नहीं होती, ये मतलब है। तो नजास्त गलीजा के बारे में आप समझ चुके हैं कि हथेली के गड़े के बराबर या चार माशे के तक अगर है या उससे कम है तो माफ़ है, उससे ज़्यादा है तो दूर करना फ़र्ज होगा। और उसके बाद नजास्त खफीफा के बारे में बता रहे हैं। नजाफीफा जिस्म पर या कपड़े पर किसी भी हिस्से पर अगर यानी हाथ पर या पाँव पर या कली पर लग जाए तो उसका क्वार्टर यानी चौथाई हिस्सा, रुबू पाव हिस्सा समझिए, उतना माफ है, उससे ज्यादा तो करना फर्ज है। मिसाल के तौर पर यानी नजास्त खफीफा में क्या आते हैं, जो हलाल जानवर है उनका पेशाब आता है, और जो हराम परिंदे हैं उनकी पीठ आती है, वो रह के एक पूरा आस्तीन है, आस्तीन के चार हिस्से करिए, तो चार हिस्सों में पाव हिस्से तक अगर लग जा रहा है उतना ज्यादा है तब उत्तम आप है, उससे ज्यादा है दूर करना फर्ज है। इस टाइम पे अगर उस पाव हिस्से से कम ही है तो दूर करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब ये कि उस पर नमाज पढ़ते हैं तो तब भी जो है नमाज हो जाती है। तो बहरहाल आपको मालूम हुआ कि नजासत की तारीफ क्या है, नजास्त गलीजा खफीफा की तारीफ मालूम हुई है और उसका हुक्म भी मालूम हो गया। नजास्त गलीजा का हुक्म अलग है, खफीफा का हुक्म अलग है। तो खफीफा के बारे में बताया गया है कि अगर किसी भी मकाम पे लग रही तो हाथ का हुक्म, तो हाथ का पाव हिस्सा, पैर पर लग रही तो पूरे पैर का पाव हिस्सा, और कली पर लग रही है तो कली का पाव हिस्सा, ऐसा चौथाई पाव हिस्से तक माफ है, अगर उससे ज्यादा हो तो दूर करना जरूरी है। तो ये हुक्म भी हो गया। तो अब यहाँ पर एक अहम चीज ये है कि जो भी नजास्त गलीजा है या खफीफा है तो इतने माफ है, इतना है तो धोना ज़रूरी है, जो बात हो रही है ये सिर्फ कपड़ों पर या जिस्म पर लगा तो हुक्म है। अगर यही नजासत अगर थोड़ी भी अगर पानी में गिर जाती है तो पूरा पानी नापाक हो जाता, पानी की बात नहीं हो रही है कि पानी में गिर गया तो पाक है नापाक, ऐसी बात नहीं हो रही है, पानी का हुक्म पीछे गुजर गया पड़ ली है, यहाँ पर कपड़ों पर लग गया, यहाँ पर कपड़ों पर लग गया या जिस्म पर लगा तो क्या हुक्म है, ये जो है पड़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें खास है, कपड़े या जिस्म, इसके अलावा अगर पानी में गिर गया तो उसका हुक्म अलग है, टाँकी में गिर गया तो हुक्म अलग है, पीछे गुजर चुका है। और एक चीज ये है कि कपड़ों पर जो है, अब बाज
चीजें जो नजासत नजर आती, बाद चीजें नजर नहीं आती, जैसे बच्चों का पेशाब वगैरह है कपड़ों पर लग जाता तो नजर नहीं आता, यानी भीगा हुआ नजर आता लेकिन सूख गया तो नजर नहीं आता, और दूसरी गंदगियां होती गोबर वगैरह है लग जाए तो नजर आता। तो बता रहे हैं कि जो गंदगी नजर नहीं आती उसको तीन मरतबा धो दिए तो काफी है, तीन मरतबा धोने से काफी है। कोसी नजासत जो नजासत नजर नहीं आती, तो तीन मरतबा कैसा धोना वो बता रहे हैं कि तीन मरतबा ऐसा धोना के पूरी कुव्वत के साथ निचड़ना, पूरी कुव्वत के साथ हर मरतबा जो है धोना पूरी कुव्वत के साथ निचड़ना, फिर सेकंड टाइम फिर थर्ड टाइम ऐसा ही हर मरतबा पूरी कुव्वत के साथ निचड़ने पर कपड़ा पाक हो जाएगा। तो कोसी नजासत के बारे में, वो नजासत जो नजर नहीं आती है, और जो नजासत नजर आती है, एक मिनट जो नजासत नजर आती है तो उनको जो है नजासत दूर होने तक लाजिम है, यानी तीन दफा ही नहीं, चार दफा हो, पांच दफा या दो दफा हो, जो नजासत नजर आती गोबर वगैरह है नजर आती है तो उनको पूरा दूर होने तक धोना लाजिम है। तो ये चीजें हुई नजासत को कैसे दूर करें हम। उसके बाद लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाले या चाट ले तो उसका क्या हुक्म होगा, कैसा पाक किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि तीन दफा धोना चाहिए और हर मर्तबा जो है उस बर्तन को सूखा देना चाहिए। तीन मर्तबा धोना है, एक मर्तबा धोना धूप में रख देना सूख गया, फिर उठा लेना, फिर और एक मर्तबा धोना, फिर धूप में रखना सूखा देना, फिर थर्ड टाइम भी धोना धूप में रखना सूखा देना। तो कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाले तो कुत्ता जो है बहुत ज्यादा नापाक है, उसके मुंह में बहुत ज्यादा जरासीम होते हैं, बीमारियां फैलती है, तो उसकी वजह से जो है उसको तीन मर्तबा धोना है, और तीन मर्तबा में हर मर्तबा खुश करना भी जरूरी है। और साथ में बता रहे कि लेकिन सात मर्तबा धोना बहुत बेहतर है, सात मर्तबा धो रहे हैं और एक मर्तबा मिट्टी से भी धो लेना चाहिए, भले सात मर्तबा धोना बेहतर है लेकिन कम अज कम तीन मर्तबा धोना तो कंपल्सरी जरूरी है। तो बहरहाल अब तक आप पढ़े हैं नजासत की तारीफ, इसमें खफीफा गलीजा और उसका जो फर्क है समझे हैं, और जो उसको गंदे के लग जाए तो किस तरह दूर करना है वो समझे हैं, और उसके बाद जो है नजासत जो नजर नहीं आती है उसको कपड़ों पर लग जाए तो कैसा दूर करना चाहिए, जो नजर आती है उसके बारे में क्या तरीका, ये समझे हैं, कुत्ते का हुक्म समझे हैं। जी कुछ फरमा रहे थे कोई साहब? जी, और एक एक तरीका जो है कपड़े पाक करने का, कि वो पानी में डाल के और पानी मतलब कपड़े बकेट में डाल के पानी जितना भर बहा देना, तो ऐसा भी कर सकते क्या इसमें नजासत के लिए? उसमें वो पानी का, पानी में अगर नजासत गिर जाए तो हुक्म था, यानी बकेट में या किसी और चीज में जो है वो नजासत गिर जाए तो उसको पाक करने का तरीका बयान किया गया था। ये कपड़ों के बारे में है, कपड़ों पर अगर नजासत लग जाए तो ये जो तरीका अभी बताया गया वो कपड़ों के बारे में है, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो पानी के बारे में है। नहीं नहीं, कपड़ों के बारे में, मसलन कोई अगर बेडशीट पे अगर पेशाब है तो उसको क्या करते हैं, बकेट में डाल के नल खोल देते हैं पानी बह जाना बोल के, बाद में उसको तीन बार निचोड़ना बोलते हैं, तो ऐसा इसमें कर सकते हैं क्या? हाँ, तीन मर्तबा निचोड़ रहे हैं तब काफी है। असल मकसद क्या है, नजासत दूर होना है। अब जो नजासत नजर आ रही है तो पहले उस नजासत दूर कर देना है, उसके बाद जो है तीन मर्तबा निचोड़ लेना चाहिए, बस इतना ही काफी है। नजासत असल दूर होना ये मकसद है, अगर दूर हो जा रही है तो काफी है। तो बहरहाल हम जो है नजासत के बारे में आज तफसील से पढ़ने की कोशिश किए हैं, और उसके बाद हम मस्जिद में वजू करने जाते तो कबूतर, कभी कबूतर कुछ ऊपर से कुछ का कबूतर रख देता, तो फिर वजू करना है या कैसा? वजू में अभी नहीं, वजू डबल नहीं करना है आपको, वजू तो करना ही नहीं है अभी, फिर फर्श पे भी रहता नीचे तो कबूतर वजू कर। हाँ हाँ, तो उसके बारे में आपको अभी बताया गया कि परिंदा बहरहाल वो परिंदों के बारे में बताया गया कि अगर जिस मकाम पे लगा है पौ हिस्से से ज्यादा लग गया तब जो है, तो पौ हिस्से तक लग गया तो माफ है, उससे ज्यादा लग गया तो दूर करना जरूरी है, यानी थोड़ा बहुत लग गया तो दूर करना जरूरी नहीं है। जैसे आप नमाज को जा रहे हैं ऊपर से कबूतर थोड़ा कर दिया तो थोड़ा से वो पूरा जिस्म पे पूरा फैलावा नहीं है, उतना माफ है, उससे जो है कुछ भी नहीं होता, आप दूर कर देते हैं उतना ही काफी। वजू करना भी जरूरी नहीं है, कपड़े चेंज करना भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर नजासत खफीफा के बारे में बताया कि पौ हिस्से तक, यानी हाथ पर लगा तो हाथ का पौ हिस्सा, पैर को लगा तो पैर का पौ हिस्सा, इतने ज्यादा लग गया है
तो सब जो है दूर करना है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को जी। तो जनाजे के बारे में जो है चंद अहम बातें मैं आपको पेश कर देता हूँ कि किसी का अगर इंतकाल, यानी कोई आदमी नजा के आलम में है, यानी उसकी आखिरी सांस चल रही है, मौत के करीब है, तो एक मुसलमान को क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, ये चीज़ें आपको बयान की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि अगर कोई आदमी नज़ा के आलम में है तो सबसे पहले तो तरीक़ा ये है कि उसका जो मुंह है उसका मुंह क़िबले की तरफ कर देना चाहिए, उसके पैर चाहे किसी तरफ भी हो लेकिन चेहरा मुंह तो जो है क़िबले की तरफ होना चाहिए। अब जनूब की तरफ हो या शुमाल की तरफ पैरा हो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ज़रूरी क्या है मुंह क़िबले की तरफ होना चाहिए जी जी। दूसरी बात यह कि अगर क़िबले की तरफ मुंह करने में कुछ दुश्वारी हो, यानी कभी रूह निकलते कि बहुत सख्ती हो जाती जिस्म में तो हटाना करना मुश्किल हो जाता, बहरहाल क़िबले की तरफ अगर मुंह करने में कोई दुश्वारी हो तो बिल्कुल जिस हालत में उस हालत में छोड़ दे सकते हैं, यानी कंपलसरी ज़रूरी नहीं है कि क़िबले की तरफ ही करें, सहूलत है तो कर लेना चाहिए, सुन्नत तरीक़ा है। दूसरी चीज़ ये जो कोई साहब बोल रहे हैं आवाज़ उनकी क्लियर नहीं आ रही है, अभी अब तफसील आ रही है इंशाल्लाह, पूरी तफसील के बाद अगर आप पूछेंगे तो शायद, उमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल रहते हैं उसके सवाल जवाब आगे आ रहे हैं, तो अगर मुकम्मल बयान अगर आप सुन लें तो इंशाल्लाह बहुत सारे डाउट्स को खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ बता रहे हैं कि जो गराटा है, गराटा कहते हैं रूह निकलने से पहले जो इंसान आवाज़ें करता और जो तकलीफ़ उसके आवाज़ मुँह से निकलते रहती है उसको कहा जाता है। बहरहाल उस मौके पर जो है किसी की रूह निकलने के करीब है तो कोई ख़ानदान में से एक आदमी उसके पास बैठ कर जो है उसको कलिमे की तलकीन करना चाहिए। अब ये मसला बहुत ज़रूरी है सबको समझना है, वो है कि कोई आदमी नज़ा के आलम में है तो कलमे की तलकीन किस तरह करना चाहिए। हमारे पास क्या करते हैं, ज़बरदस्ती से कलमा पढ़ो बल्कि फोर्स करते रहते हैं उसको, कलमा पढ़ो जी कलमा पढ़ो, वैसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका तरीक़ा ये है कि किसी को बाजू बिठा कर बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ो बोलना, किसको बोलना, बाजू बैठे वाले आदमी को बोलना है, बाजू बैठे वाला आदमी जो है बुलंद आवाज़ से पढ़ना। अब ये जो साहब है जिनकी रूह निकल रही है वो चाहे तो सुनकर कलमा पढ़ लेते हैं, यानी फोर्स करना, जो साहब का इंतकाल हो रहा है उनको फोर्स करना ज़रूरी नहीं चाहिए। हमारे पास एज होता कि उनको फोर्स करते कलमा पढ़ो आवाज़ से पढ़ो कलमा, ये बहुत गलत तरीक़ा है। उसकी वजह ये है कि वो नज़ा के आलम में रहते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, अगर वो गुस्से में कुछ अगर कह दे कि मैं कलमा नहीं पढ़ता हूँ जाओ या कुछ भी ऐसा कह दे तो उनकी आखिरी गुफ्तगू जो है पता नहीं कौन सी होती है, तो बहरहाल कुछ भी कह देने से खातिमा ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस वजह से जो है कलमा पढ़ो बोलकर सख्ती नहीं करना चाहिए, सख्ती ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि तलकिन करने का तरीक़ा ये है कि कोई साहब बाजू बैठ जाए, वो बाजू बैठने वाले साहब बुलंद आवाज़ से पढ़ ला, वो जो इंतकाल हो रहा है उन्होंने एक मरतबा सुन के पढ़ लिए बस काफ़ी है, अब बार 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 भी नहीं कराना कि बार बार बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो, बार बार भी नहीं कराना, एक मरतबा पढ़ लिए बस काफ़ी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने एक मरतबा कलमा पढ़ लिए फिर उसके बाद थोड़ी देर बात करे फिर उनको जो है फिर तकलीफ़ शुरू हो गई तो फिर सेकंड टाइम और एक साहब बैठकर कोई भी साहब जो है बैठ फिर जो है रिपीट करना, बैठने वाले साहब रिपीट करना, उन्हें जो है सुन लेके पढ़ लेते, ऐसा करना चाहिए। फिर तीसरी अहम बात यह है कि उस मौके पर जो नज़ा की तकलीफ में रहते हैं तो उस मौके पर उनसे माल के बारे में, जायदाद के बारे में कि कौन से बच्चे को कितना देना, कौन सा घर किसको देना, कौन सी दौलत किसको देना, ये तमाम गुफ्तगू उस मौके पर नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत तो तकलीफ़ में रहते हैं और सही फैसला भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनकी हालत पर छोड़ देना चाहिए। हो सके तो बाजू में सूरह यासीन वगैरह पढ़ने का हुक्म दिया गया है, सूरह यासीन पढ़ने से उनकी नज़ा की जो जी सूरह यासीन पढ़ने से जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ कम होती है। तो बहरहाल सबसे अहम जो चीज़ है तलकीन करने का तरीक़ा कि बाजू बैठकर साहब पढ़ना चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि
साहब किसी से जो है उन मरने वालों से जो है माल जायदाद के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको आखिर लम्हात में ही सही अल्लाह की याद दिलाना चाहिए। बहरहाल करीबुल मौत जो आदमी हैं तो उनके सरहाने जो है सूरह यासीन पढ़ने से उनकी मौत की जो सख्ती है वो सख्ती जो है कम हो जाती है। और अगर किसी की रूह निकल जाए तो मैयत के हाथ और पांव सीधे कर देना चाहिए, हाथ यानी करीब करीब कर देना चाहिए, पैरों को करीब कर देना है, अंगूठों को करीब करीब कर देना है, फिर हाथों को भी जो है उनके जिस्म के करीब करीब कर देना है, फिर मुंह को जो है एक कपड़ा लेकर ठुड़ी से नीचे ठुड़ी से नीचे से लेकर ऊपर सर के ऊपर से दोनों तरफ से बांध देना चाहिए ताकि उनका मुंह ना खुलने पाए। फिर आंखें जो है आंखों को भी बंद करना चाहिए, अगर आंखें खुली है तो आंखें ही बंद कर देना चाहिए। तो आंखें बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह व आला मिल्लति रसूलिल्लाह ये कहते हुए आंखें बंद कर देना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से व आला मिल्लति रसूलिल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर बोलकर उनकी आंखें बंद कर देना चाहिए। और जो है इसके बाद तफसीलात है कि पाँव के जो अंगूठे है वो मिलाकर बांध देना चाहिए, पाँव के दोनों अंगूठे खरीब कर कर दोनों अंगूठों को आपस में बांध देना चाहिए, फिर एक चादर उड़ा दिए। फिर अगर फिर उनका जो पेट है फूलने का अंदेशा है तो कोई चीज़ लोहा वगैरह रख दे सकते हैं। और उसके बाद करीब में जो है कोई खुशबू वगैरह जला देना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैयत के करीब अफराद जी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मतलब पेट फूलने का अंदेशा है, मतलब कैसा मालूम होता सर? यानी पेट बड़ा हो जा रहा है उनका, पेट जो है मैयत का बड़ा होते जा रहा। हेलो, हाँ जी, मैयत का जो है पेट बड़ा हो जा रहा, इंतकाल के साथ ही फूलना शुरू होता है सर? हाँ, बाज अफराद के जो है पेट फूल जाते हैं, अक्सर के नहीं होते लेकिन बाज अफराद के पेट फूल जाते, पेट बड़ा होते जाता, उनका जो नॉर्मल था उससे बड़ा होता जाता। जब ऐसा लगे कि भाई इनका पेट थोड़ी देर में बड़ा हो गया फिर और बड़ा होने का इम्कान है तो पेट पे कोई चीज़ थोड़ी बहुत छोटी चीज रख दे सकते हैं ताकि पेट बड़ा ना हो जाए। फिर उसके बाद ये रख सकते सर, लोहा वगैरह, तलवार लोहा या कोई भी वजनी चीज़, ज़्यादा वजन ना हो, मुख्तसर भैया कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, रख सकते हैं सब। उसके बाद बता रहे हैं कि मैयत के पास जो है बंद करने की दुआ भी आप बोले फिर से दुआ भी करके, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह जी। मैयत के करीब जो है वो अफराद जिन्हें गुस्ल करना है, मर्द हो कि औरत हो, करीब नहीं आना चाहिए, यानी जिनको गुस्ल करना है जो नापाक है उनको जो है मैयत के करीब नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरह जो है मैयत को जब तक गुस्ल नहीं दिए मैयत के करीब बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकते, मैयत के करीब की बात हो रही, दूर की नहीं, दूर बैठकर पढ़ सकते हैं लेकिन मैयत के करीब जब तक गुस्ल नहीं दिया गया है उस वक्त तक जो है मैयत नापाक होती है, तो गुस्ल देने से पहले तक मैयत के करीब बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरे कमरे में या दूर फासले पर बैठकर पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं लेकिन करीब बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके बाद कफन दफन का एहतमाम जल्दी से करना चाहिए। फिर उसके बाद तफसीलात है गुस्ल किस तरह होना है, मैयत को गुस्ल किस तरह दे, और ख्वातीन का मरहुमा हो या मरहूम हो तो थोड़ा सा फर्क अलग अलग है, वो क्या है हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद कफन के बारे में ये इंशाल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज यहीं पर हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। सर एक सवाल, सर मैयत पे कुछ भी नहीं बैठना, मतलब कुछ भी कीड़ा मकोड़ा हो नहीं बैठना, बहुत ज्यादा बार गुजरता उनके पर वही पंखा कर लेते बैठते, सर क्या ये सही है सर ऐसा कुछ? हाँ वैसा कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, कोई गंदगी या फिर भैल मक्खी वगैरह ना बैठने के वास्ते करना चाहे तो कर सकते हैं। इस वास्ते बताया गया कि ऊद वगैरह जला लेना चाहिए ताकि खुशबू फैले, और जो है कुछ भी भैल एहतमाम तो करना चाहिए, वैसे कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। सर उससे मैयत को तकलीफ होती क्या सर ऐसा बोलते? किससे? मतलब उसके ऊपर कुछ बैठा वगैरह, मतलब कुछ भी छोटा सा इंसेक्ट भी बैठा तो तकलीफ तकलीफ वगैरह तो नहीं होती, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ वगैरह नहीं होती, लेकिन जो है एक अच्छी चीज नजर नहीं है कि पूरी चीजें आके बैठ रही है, बहल अच्छा नजर नहीं आता, तो बहल वैसा हवा करना जरूरी भी नहीं है और
कर रहे हैं तो कोई उसको बुरा भी नहीं समझना चाहिए, ऐसा कोई करना भी जरूरी नहीं है, अगर कर रहे हैं तो उसे बुरा भी समझना कोई जरूरी नहीं है, और उसको मैं अजाब की अजाब होता ये भी सही नहीं है, अजाब भी नहीं होता उसको उसकी वजह से, सर उनके मक्खी वगैरह बैठने से अजाब नहीं होता जी। सर उनके मुंह में रोई नाक में वो कई को डालते सर, उन बाहर ना आए कोई भी अंदर से नजासत बाहर आ जाती है, अंदर से नजासत में बाहर निकलते हैं जी, तो इस वजह से डालते ये बोलते कि नाक में रुई नाक में रुई डाले तो रुई नहीं डाले तो शैतान मतलब तो ऐसा ये सही है बात ये नहीं, रुई सिर्फ इस वास्ते डालते हैं ताकि गंदगी अंदर से बाहर ना, सिर्फ इस वास्ते डालते हैं, कोई शैतान वगैरह कुछ भी नहीं इसमें। साहब जैसा कि आप मैयत को गुस्ल की बात करें, जो मैयत को गुस्ल देते लोग क्या उनको पानी नहाना वाजिब हो जाता है? मैयत के गुस्ल के बारे में इंशाल्लाह ताला कल तफसील से पढ़ेंगे, गुस्ल का नहीं आया है इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, अभी गुस्ल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी इंतकाल ही हुआ है, मैयत को कल तक उठाकर रखिए, कल इंशाल्लाह गुस्ल देंगे। सर कल रिविजन डे है सर, ये अहले खिदमत शरिया है, इसमें रिवीजन नहीं रहता जी, आप अरबी लैंग्वेज में रहता हूं जी, जज़ाकअल्लाह खैर जी। मौल साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो हेलो मौलाना जी फरमाइए जी, अभी आप बोले रूह निकलते वक्त यासीन शरीफ पढ़ने के लिए बोले सर के बल बैठ के जी जी, लेकिन मैयत के बाद वसूल देने के बाद सामने बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन गुस्ल से पहले रूह निकलने के बाद कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, रूह निकलने से पहले रूह आसानी से निकले इस वास्ते सूरह यासीन पढ़ना है, अब रूह निकल चुकी है तो उसके बाद नहीं पढ़ना है, यानी उसके करीब नहीं पढ़ना है, आप दूर बैठ के पढ़ ले सकते हैं, दूसरे घर में बैठ के पढ़ ले सकते हैं, बाजू कमरे में ऐसा, और हाथ सीधे रखना है, सब ने कोई आदब से रखते हैं हाथ ऐसा, यानी सीधे 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 कर देना है ठीक है। अच्छा मतलब सब ये प्रिंटेड मटेरियल मिल सकता है जी, प्रिंटेड मटेरियल ये जो आप जो दर्श दे रहे हैं उसका प्रिंटेड मटेरियल? हाँ मिल जाता ना, आप कहाँ ओल्ड सिटी में रहते हैं? या न्यू सिटी मलकपेट। हाँ हाँ जामे निजामे अगर आ गए आप जी तो वहाँ पर जामे निजामे मिल जाती है किताबें। अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम जी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सैटरडे क्लास रहती सर ये?